वो 126 दिन का तमाशा कौम ने देखा था ना। वो चाइना का सदर जो है वो कोई अपना जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान को तोहफा देने आ रहा था, और मैं ना मानू किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। आते ही अपना सीपेक के मंसूबों को कहा जी इसमें करप्शन हुई है, चाइना जैसा दोस्त जिसे हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया नाराज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाशे नहीं होने चाहिए। मैंने पार्लियामेंट के फोरम पर पहली मरतबा कहा था मैं कायदे हिजब इख्तलाफ रहा, और रिवायत है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कायदे हिजब इख्तलाफ को दी जाती। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, मैंने कहा मैं अपोजिशन को दावा देता हूँ जो हक मुझे नहीं दिया गया मैं आज ऐलान करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम ये अपोजिशन को अपना चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी का अपना ओहदा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमारे पास करप्शन छुपाने का हमें कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने करप्शन अल्हम्दुलिल्लाह करनी नहीं। तो इंशाल्लाह सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क के निजाम में पब्लिक डिलीवरी में गवर्नेंस में रोड़े अटकाए जाएं सिर्फ इसलिए कि मैं बाहर चला गया हूं, तो तुम्हारी अना जो है ना वो पाकिस्तान की कौम के दुखों से भरी नहीं है। अगर तुम्हारी अना पाकिस्तान के दुखों के मुदावे के लिए आड़े आएगी तो उस अना को हम दफन कर देंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तानी कौम जीतेगी। आपने जो है वो इमरान खान के ऊपर इतराज किया कि ये आटा चोर चीनी चोर एटीएम मशीन्स के सहारे पे चल रहे हैं, आज वो लोग आपके साथ खड़े हैं, लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने खुद यूटर्न ले लिया, इसकी जरा वजाहत। बड़ी अच्छी बात की आपने भाई, अगर वो कुछ निकलता तो 4 साल का अरसा कुछ थोड़ा सा था। आपने हर एक को इंतकाम का निशाना बनाया, और अब देखें आप कि सिर्फ एक केस वो जो फरा गोगी का केस है वो अपना जो है वो कोई नहीं आपसे पूछ रहा, आप उसकी हिमायत में आके खुद इमरान न्याजी कहता है जी कि उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। भाई आप कहते कि नैब तहकीकात करे, दूध का दूध पानी का पानी हो, आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप उसकी हिमायत में आगे? वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मैं समझता हूं कि इस कौम का पैसा है ना, कोई हमजा शहबाज का पैसा तो नहीं है। अगर मैंने या मेरे वालिद ने या मेरे ताया ने कोई एक पाई की करप्शन की थी, मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि साबित करें, मैं गुनाहगार हूं खताकार हूं, लेकिन मैं कौम से माफी मांगूंगा घर चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप रियाज से मदीना के दाई बने हैं, झूठे हैं या सच्चे हैं, कौम को हिसाब तो देना।